अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फूल गोभी के सालन बना रही हूँ। इसमें मैं गोभी, आलू, मटर, गाजर और मूली मिलाकर सालन बना रही हूँ। तो सबको मैं फ्राई कर ली, नमक एक चम्मच डाल करके अच्छे से मैंने उसको फ्राई कर लिया। और एक पॉट पर मैं दो प्याज, एक टमाटर और थोड़ा ग्रेवी को थिक करने के लिए थोड़ा सा आमंड और पोस्तक, थोड़ा सा मैंने चार मगज़ के बीज को ग्राइंड कर लिया है, एक चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच ज़ीरा पाउडर और एक ही चम्मच धनिया पाउडर डालकर मैंने उसका पेस्ट बना लिया। और फिर एक कढ़ाई पे मैं तेल गरम करके उस पर थोड़ा सा फोड़न डालकर प्याज को फ्राई की और वो जो मसाले का पेस्ट मैं बनाई थी उसको डालकर एक चम्मच नमक डालकर मसालों को अच्छे से भून ली। भून लेने के बाद इन सब्जियों को मैं उस पर डालकर थोड़ा सा भून कर उस पर मैं पानी एक गिलास ऐड कर दी। सब मैं हाई फ्लेम पे की हूँ और उसके बाद पानी डालकर उसको गलने के लिए छोड़ दी। और जब मेरा सालन रेडी हो गया तो मैं एक चम्मच टोमेटो सॉस, एक चम्मच सेज़वान सॉस और एक चम्मच सोया सॉस को अच्छे से मिलाकर इस सालन पे उसको डालकर 5 मिनट पकाकर धनिया पत्ती से गार्निशिंग करके सालन को तैयार कर दी हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी एक बार ये सालन ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं आप लोगों को ये कैसा लगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।